doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get away, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not. केपीके का जर्नी स्टार्ट हो गया, अभी ऑयल फिल करवा रहे हैं और अभी निकल गए हैं और अब जाके आपको स्पेशली इस्लामाबाद दिखाएंगे, उसके बाद फिर आगे दूसरी चीजें दिखाएंगे। तो इस्लामाबाद आ गए हैं, ये गीगा माल नजर आ रहा है, अभी हम गीगा माल तक आ गए हैं, अभी हमने केपीके जाना है, यहाँ से जाएंगे अभी एबटाबाद, उसके बाद बालाकोट, फिर कागान, फिर नरान। बालाकोट तक तकरीबन पहुंचने वाले हैं, यहाँ पर हम एक नाइट स्पेंड करेंगे, उसके बाद हम कल जाएंगे नारायणगढ़ और उसके बाद इंशाल्लाह ताला सैफुल मलूक चल जाएंगे। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं इधर काफ़ी अच्छे से मौसम को बहुत अच्छा, हवा बहुत तेज़ है, जिस तरह आप देख रहे हैं काफ़ी सारी हवा बहुत तेज़ है, जिस तरह मोबाइल हैंड से निकलने वाला है। अभी हम बालाकोट आ गए हैं, तो अभी यहाँ के कुछ मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं आप, काफ़ी खूबसूरत सीन है। अभी बालाकोट हम आ गए, इधर हम अब जा रहे हैं रिलेटिव के घर, तो उधर काफ़ी रास्ता थोड़ा सा थका देने वाला रास्ता है, तो मैं आपको भी दिखाते हैं। बालाकोट तो आ गए हैं, रास्ता काफ़ी मुश्किल है, तो अच्छे हैं लेकिन रास्ता बहुत 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 मुश्किल है, चलने की दुश्वारी हो रही है थोड़ी सी। अस्सलाम वालेकुम, अब मैं ब्रिज पे आ गया हूँ, ब्रिज तो काफ़ी खतरनाक है, कहीं नीलम दरिया है, नीलम वाला वाक्य ना पेश आ जाए, नीचे बहुत तेज दरिया है, कहीं से भी नीचे गिर गए तो फिर इंसान भी नहीं मिलना, फ़ोन दूर की बात है, इसलिए बहुत मुश्किल से मैं इधर वीडियो बना, आपको नहीं पता कि वो कितनी मुश्किल से मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब यहाँ पे स्विमिंग का कुछ मूड है, तभी थोड़ी देर ठंडे ठंडे पानी में स्विमिंग के लिए जा रहे हैं। चलिए अब आपको अंदर जाके दिखाते हैं। ये पुल के बारे में, यहाँ कोई दरिया के बारे में, अपने इलाके के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दे हमें। ये इलाका तो पहले काफी बात था यहाँ पे, बंजरी था, लेकिन जब सैलाब आया उसके साथ ये बहुत यहाँ पे नुकसान हुआ, ये वही मेन जगह है जहाँ पे सैलाब आया था। और अभी मैं आ गया हूँ बिल्कुल दरिया के किनारे, यहाँ पे प्रेशर बहुत तेज है, पानी भी गहरा है, इसलिए जैकेट पहननी जरूरी पड़ गई है। देखिए आप कितना प्रेशर है पानी का, बहाव बहुत तेज है, और ये बहुत पुराना पुल है यहाँ पे जो मैंने क्रॉस किया थोड़ी देर पहले, पानी का प्रेशर भी बहुत है, ठंडा भी बहुत है। अभी मैं इसके अंदर जाऊंगा और फिर अंदर जाके भी आपको दिखाऊंगा। तो पानी इतना शदीद ठंडा है, कुछ नहीं कहा जा सकता इसके बारे में, बहुत ठंडा है, मैं तो बहुत ठंड लग रही है मुझे तो। ये पानी देखें आप किस तरह है, कमाल के सीन है, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पाकिस्तान। पानी भी दरिया में काफ़ी गहरा है, बहुत मुश्किल से वीडियो बना रहे हैं, पानी बहुत गहरा है और वीडियो बहुत मुश्किल से बना रहे हैं, पानी ठंडा भी बहुत है, स्पेशल मैं वीडियो के लिए अंदर आया हूँ और इस टाइम बहुत बुरी हालत होगी।
वे टू सैफ अल मलूक झील, वो पीछे आपको ग्लेशियर भी ऊपर नज़र आ रहे हैं, बस वहाँ पे हम अभी हम नारान के गान आ गए हैं और ये जीप में हम बैठने लगे हैं सैफ अल मलूक झील जाने के लिए। अस्सलामु अलैकुम, मैं अभी इधर आ गया हूँ सैफ अल मलूक झील में। सैफ अल मलूक झील में मैं आ गया हूँ और अभी मैं नीचे भी जाके आपको थोड़ी सी झील दिखाऊंगा नज़दीक से। पीछे आप मेरे देख रहे हैं ये ग्लेशियर भी हैं, यहाँ पे सर्दी भी है, बस मैं जैकेट पहनने लगा हूँ और बहुत खूबसूरत सीन है। पीछे ये ग्लेशियर है मेरे, ये झील है, काफ़ी सारे टूरिस्ट आए हुए हैं, रश भी बहुत है और ये जीप यहाँ की खास चीज़ है। और इसके अलावा यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं आ रही, आप देख रहे हैं जिस तरह सभी जीप हैं, इसके अलावा यहाँ पे कोई कार वगैरह नहीं आती क्योंकि यहाँ पे रोड भी बहुत ख़राब है और उसके अलावा पत्थरों से ही गाड़ी आती है तो बहुत मुश्किल से जीप आती है। यहाँ पे जो है पानी भी इस झील का बहुत ठंडा है और इसमें एक और भी इसकी खूसियत है, इसका कलर भी बहुत प्यारा है जी। अस्सलाम वालेकुम, अभी मैं सैफ अल मलूक झील में आ गया और आपको मैं दिखाता हूँ यहाँ पे रश कितना। ये रश भी आप देख रहे हैं, बैक साइड में मेरी सैफ अल मलूक झील है, इसलिए मैं आपको नज़दीक से भी दिखाता हूँ यहाँ पे कश्तियाँ वगैरह, ये सारा सीन है पीछे और वो ग्लेशियर पीछे। अभी हम आगे भी चलते हैं, चलिए जाके कुछ देखते हैं। ये आप देख रहे हैं अभी मैं ये सैफ अल मलूक झील का पुल क्रॉस करने लगा हूँ। ये पुल जो मैं आ गया हूँ, मैं ये पुल क्रॉस कर रहा हूँ, इसके नीचे का सीन मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। आई एम गोना शो यू सीन फ्रॉम माई बैक कैमरा के राउंड में जो सीन है, कोई चीज भी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर चीज दिखाऊंगा आपको माशाल्लाह से। अभी मैं आपको और कुछ सीन दिखाता हूँ, मैं यहाँ से आगे पीछे जा रहा हूँ थोड़ा सा और वहाँ पे मैं आपको सीन दिखाता हूँ। ये मेरी आप बैक साइड पे देख सकते हैं, काफ़ी से सीन है यहाँ पे, लोग भी काफ़ी हैं, रश भी हैं। चलिए मैं आपको ना किसी यहाँ के मुकामी से मिलवाता हूँ। चलिए मैं आपको एक नई चीज़ दिखाने जा रहा हूँ, शायद का छत्ता। ये यहाँ पे हमारे साथ मोजेस खान साहब है, ये कुछ आपको बताएंगे इसके बारे में, आप थोड़ा सा दिखाएं और बताएं। ये खाली शायद है छोटी मछली का, देखें ये देखें कितनी खूबसूरत चीज़ है, ये देखें आप और कितना खाली शायद है। यहाँ पे बहुत अच्छी चीज़ें आपको अच्छी भी मिलती हैं। अभी मैं बिल्कुल ये झील के पास आ गया हूँ और यही जगह जहाँ पे सब लोग ज़्यादातर फिश वगैरह बनाते हैं, देख रहे हैं ये सीन आप देख रहे हैं, ये चीज़ जो बैक साइड पे है, ये बहुत कमाल की चीज़ है। यहाँ पर बहुत अच्छी फिश लोग बनाते हैं, उसके बाद ये मशहूर जगह है जहाँ पर लोग फिश बनाते हैं, उसके बाद ये जगह भी बहुत कमाल है। इस वक्त मैं इसके बिल्कुल बीच में खड़ा हूँ, उसका पानी भी बहुत ज़्यादा ठंडा है, हाथ मैं लगा के देख लेता हूँ और दिखाता हूँ आपको पानी कितना साफ और ठंडा, बहुत ठंडा करता हूँ कि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं उसके ऊपर जाऊँ और ऊपर से भी दिखाऊँ आपको। अभी इस टाइम मैं बिल्कुल उस चश्मे के करीब आ गया और ये है वो चीज़ जिस मैं आपको बात कर रहा था और अभी मैं वहाँ पर जा कर भी आपको दिखाता हूँ। इस वक्त मैं अभी आ गया हूँ इसकी झील के बिल्कुल बीच में, जो मैंने आपको बताया कि जो मैं आपको दिखाने जा रहा था, अभी मैं इसके बीच में आ गया और मैं बैक साइड से भी आपको दिखाता हूँ। बैक साइड पे ये चीज़ें, इसके बाद बिल्कुल इसके दरमियान में इस जगह पर ये सीन है, ये सीन बहुत कमाल के हैं, असल में यही तो चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने वाले। यही ग्लेशियर्स हैं जो मैं आपको दिखाने जा रहा था। अभी हम इधर से जा रहे हैं, ये हमारे साथ यहाँ पे हमारे इंस्ट्रक्टर हैं
जो हमें लेके आए हैं घुमाने के लिए। अभी सैफुल मलूक झील में मैं किसी ये होटल में आ गया हूँ, ढाबा टाइप ही है, और यहाँ पर अभी मैं कुछ गर्मा गर्म खाने का सोच रहा हूँ। अभी खाबे पे खा भी तो लिया है, लेकिन अभी यहाँ पे ठंड बहुत है और बारिश भी शुरू हो गई है। अभी हमने खाया भी है, थोड़ा बहुत इंजॉय किया, और अब हम जा रहे हैं अपनी जीप की तरफ। अभी हम निकलने लगे हैं, जीप में बैठ गए हैं और वापस निकलने लगे हैं। और हम अभी सैफुल मलूक झील से आ गए और नरारा पहुंचे हैं। जीप में सफर किया है, जिसम के सारे पार्ट तो हिल गए, लेकिन मजा काफी है। अब इसके बाद अभी मैं नरान में मौजूद हूँ, और यहाँ पर ये बहुत खूबसूरत चश्मा और बहुत खूबसूरत नज़ारा है। चलिए मैं अंदर से भी दिखाता हूँ आपको। मैं स्पेशली इस जगह पे रुका हूँ आपको पानी दिखाने के लिए, कितना तेज़ पानी है, और आपको मैं दिखाता हूँ कि कितना प्रेशर से पानी आ रहा है। चलिए बाबू जी, ये देखें किस तरह पानी आपस में टकरा रहा है। आपको एक दो सीन और दिखाता हूँ। ये मैं बिल्कुल पहाड़ के ऊपर खड़ा हूँ, और ये नीचे दरियाए किनार का मोस्ट ब्यूटीफुल जो सीन है ये बिल्कुल मेरे पीछे है, और ये सबसे ब्यूटीफुल जो सीन अभी तक मैंने यहाँ पे देखा है, और इससे आला सीन अभी तक मैं यहाँ पे नहीं देख पाया दरिया का। और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये बहुत कमाल का सीन है। ये वही जगह है जहाँ पर मैं नहाया भी था। अभी मैं बालाकोट का विज़िट कर रहा हूँ, और इसके बाद अब हमारा टूर ख़त्म हुआ और अब हम जाने लगे हैं। थोड़ी देर में यहाँ से निकलते हैं और कुछ आपको सीन दिखाते हैं। आपके प्यार में हम सवर में लगे,